फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमारे पास दो फॉर्मूलाज आए थे जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर्मूला नंबर वन था, एनर्जी ऑफ फोटॉन ईपी, या थी वो एच इंटू न्यू। न्यू क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू क्या होता है? सी बाय लैम्डा, ये हमने पहले करा था। न्यू इज सी बाय लैम्डा। तो इस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एच की वैल्यू क्या होती है? प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड, याद रखोगे आप। पी की वैल्यू क्या होती है? 10^8 m/s। ये क्या रहती है, फिक्स रहती है या वेरी करती है? ये फिक्स रहती हैं। तो अगर ये फिक्स रहती हैं तो हम इनकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो -34 J/s, ठीक है, इंटू 3 × 10^8 m/s डिवाइड बाय लैम्डा। अब क्या ये तो कट जाएगा, ये सेकंड या पर सेकंड कट गया ना, बचा जूल मीटर। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10^-19 J, तो 1 अपॉन 1.6 × 10^-19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 J। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट होता है, जूल भी एनर्जी का यूनिट होता है, उनमें कन्वर्जन का ये फैक्टर है। तो जब हम ऐसा करेंगे 6.626 × 10^-34, ये जूल है ना, 1 J, दिस इज 1 J। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम, ये वाली वैल्यू, अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो, इंटू 1 अपॉन 1.6 × 10^-19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इंटू 3 × 10^8 m अपॉन लैम्डा। ये क्या आ गया? एनर्जी आ गया, 1/4 pounds। या एनर्जी 1/4 एच सी बाय लैम्डा, एक फोटोन की एनर्जी है। इसका यूनिट क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब लैम्डा का यूनिट क्या है? मीटर ही करना पड़ेगा आपको, लैम्डा आपको मीटर ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मीटर है ना, मीटर से मीटर आपको काटना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको एंगस्ट्रॉम में करना चाहते हो तो ऊपर इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दो। तो यूनिट कन्वर्जन क्या होते हैं? 10^-10 m इज 1 एंगस्ट्रॉम, ये होता है ना, 1 एंगस्ट्रॉम इज 10^-10। 18 नहीं, 1 एंगस्ट्रॉम इज 10^-10 m, तो 1 m इज 10^10 एंगस्ट्रॉम। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, एंगस्ट्रॉम करना चाहता हूँ, तो क्या आएगा? 6.626 × 10^-34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है, 3 × 10^8 × m की जगह मैं कह रहा हूँ 10^10 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ ले आया, डिवाइड बाय 1.6 × 10^-19 × लैम्डा। अब लैम्डा आपको किस में डालना पड़ेगा? एंगस्ट्रॉम में डालना पड़ेगा, तभी एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कट जाएगा ना। दिस इज एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करो जरा, आंसर बताओ कितना आ रहा है इसको सॉल्व करके। इसको हम सॉल्व करते हैं ना, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 1,2,400/λ। यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लैम्डा किस में डालना है आपको? एमस्ट्रॉन्ग में। ये एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब हमारे पास एनर्जी के दो फॉर्मूले हो गए, एक तो 1,2,400/λ और दूसरा क्या हो गया? एच सी बाय लैम्डा। बेसिकली ये दोनों सेम ही है, यहाँ पे हमने एच और सी की वैल्यू पुट कर दी और यूनिट्स इस तरह से एडजस्ट कर दिए कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई और लैम्डा आपको एमस्ट्रॉन्ग में पुट करना है। ये फॉर्मूला मैंने आपको इसलिए कराया ना क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में जो लैम्डा होता है वो एंगस्ट्रॉम में दिया होता है और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी होती है, तो इससे आपका जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दो फॉर्मूले किसके हो गए, एनर्जी ऑफ
फोटॉन के। एक और फॉर्मूला जो आएगा वो किसका आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का, के ई मैक्स। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल थी, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, किया था हमने कल ये फॉर्मूला। जितनी आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो फोटोन की माइनस वर्क फंक्शन, जो मेटल का वर्क फंक्शन है, उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है बात। तो अब इन्हीं दोनों पे बेस्ड बस क्वेश्चंस हैं। देखो, वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस आर गिवन बिलो। आपको अलग अलग रेडिएशंस दी हैं, लैम्डा ए, ए का कितना है 300 नैनोमीटर, लैम्डा बी कितना है, पहले तो ये कन्वर्जन लिख लो। वन नैनोमीटर इज टाइम्स पर माइनस 9 मीटर्स, दिस इज माइक्रो, माइक्रो वन माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 पर, ये माइनस 9 है, 10 पर माइनस 6 मीटर्स, एंड वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पर माइनस 10 मीटर्स। और ये 30 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो आपको डिफरेंट वेवलेंथ दी है। क्या पूछ रहा है, अरेंज दीज रेडिएशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, तो बढ़ते हुए क्रम में, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा, एच कॉन्स्टेंट है, सी कॉन्स्टेंट है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर लैम्डा कम है तो एनर्जी ज्यादा है, और लैम्डा ज्यादा है तो एनर्जी कम है। उसने क्या बोला, बढ़ते हुए क्रम में, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले किसका लिखोगे, जिसकी एनर्जी कम है, जिसकी एनर्जी कम है पहले लिखोगे, जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो बाद में लिखोगे। एनर्जी कम मतलब वेवलेंथ ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो पहले लिखोगे, जिसकी वेवलेंथ कम है वो बाद में लिखोगे। अब आपको ये पता करना पड़ेगा इसमें से ज्यादा वेवलेंथ है किसकी, क्योंकि यूनिट्स डिफरेंट है, यूनिट्स डिफरेंट है, इनको सबको एक कॉमन यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कर लेते हैं। तो लैम्डा ए कितना है, 300 नैनोमीटर, नैनो मीन्स 10 पर माइनस 9, तो ये 3 × 10 पर 7 मीटर आ जाएगा। लैम्डा बी इज 300 माइक्रोमीटर, माइक्रो इज 10 पर माइनस 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 10 पर माइनस 4 मीटर्स। लैम्डा सी इज 3 नैनोमीटर, नैनो इज 10 पर माइनस 9 मीटर्स। लैम्डा डी इज 30 एमस्ट्रॉन, एमस्ट्रॉन इज 10 पर माइनस 10 मीटर। तो कन्वर्ट करके इतना आ गया, तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा हो गया। बताओ इनमें से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, देखो ये तो 3 ही है, ये तो 3 ही है, तो सबसे ज्यादा कौन है, 10 पर माइनस 4, तो सबसे ज्यादा लैम्डा बी है, उससे ज्यादा लैम्डा ए, लैम्डा ए उससे ज्यादा है ना, सॉरी सबसे गलत बोलूँ, सबसे ज्यादा लैम्डा बी था ना, मैंने उल्टा कर दिया, सही मैंने एनर्जी का लिख दिया। चलो पहले लैम्डा अरेंज कर लेते हैं, सबसे ज्यादा लैम्डा बी है, उससे कम लैम्डा ए, उससे कम सी और डी बराबर है। तो अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम, सबसे कम एनर्जी बी की, उसके बाद ए की, उसके बाद सी की, और वो डी के इक्वल है। दिस इज द आंसर, ठीक है ना, बी ए सी डी, ऑर्डर का वेवलेंथ और एनर्जी का वेवलेंथ, ऑर्डर। फिर देखो अगला, थ्रेशोल्ड। तो ये तो एच सी बाय लैम्डा वाले फॉर्मूला पे क्वेश्चन था, अब काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूला पे अगला क्वेश्चन है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच ए फोटोन मस्ट पोजेस टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। ये तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ही आ गई ना, कि फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए ताकि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सके, उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है, मेटल्स पे, अलग अलग मेटल की न्यू नॉट डिफरेंट होगी। व्हेन ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मच, ये क्या दिया हुआ है आपको, एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू दी हुई है ना, वॉज अलाउड टू हिट ए मेटल सरफेस एंड इलेक्ट्रॉन हैविंग दिस मच जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी वॉज इमिटेड। आपको फोटोन की फ्रीक्वेंसी दे दी और काइनेटिक एनर्जी दे दी इलेक्ट्रॉन की, है ना, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मेटल। आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी है, न्यू नॉट पूछी है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ एम स्क्वायर तो होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी ऑफ फोटोन किसके इक्वल होता है, एच न्यू के इक्वल, माइनस वर्क फंक्शन किसके इक्वल होता है,
एच इन टू न्यू नॉट, वर्क फंक्शन एच इन टू न्यू नॉट होता है और एक काइनेटिक एनर्जी होता है। उसने क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? काइनेटिक एनर्जी गिवन है, एच तो हमको पता है कॉन्स्टेंट होता है, न्यू गिवन है, एच कॉन्स्टेंट होता है, न्यू नॉट क्या है पूछा है, हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है? यूनिट्स का ध्यान रखना है, यूनिट्स का, ठीक है ना? तो देखो दिस इज इट, दिस इज इट, ये मैंने ऐसे लिख दिया। मतलब एनर्जी जो फोटोन की एनर्जी है वो किस किस में डिवाइड हो जाएगी? वर्क फंक्शन में और काइनेटिक एनर्जी में, यही बात होती है ना। तो ये आ गया, बस यहां से न्यू नॉट आ जाएगा। तो न्यू की वैल्यू गिवन है आपको, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपको पता है, इसको अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो न्यू नॉट आ जाएगा, आ जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है? ओके, तो एक पार्ट हमने कर दिया सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट, शो दैट एन इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी एमिटेड इफ ए फोटॉन विद वेवलेंथ इक्वल टू दिस मच नैनोमीटर हिट्स द मेटल सरफेस। वो क्या बोल रहा है कि अगर इतने नैनोमीटर का फोटॉन मेटल को हिट करता है तो आपको ये शो करना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करोगे आप? देखो अगर वेवलेंथ इतनी है फोटोन की, तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? स्पीड इज लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। तो इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी निकालो कितनी आएगी, देखो सी बाय लैम्डा, 600 नैनोमीटर दिया, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इतने हर्ट्ज आ गया फ्रीक्वेंसी फोटोन की, इतने हर्ट्ज है, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज। और आप जो फोटोन आप कर रहे हो इंसिडेंट, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 × 10⁻¹⁴। तो कम कौन हो गया? ये कम हो गया। अगर आप ऐसा फोटोन इंसिडेंट करोगे जिसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम है, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है? नहीं होता। तो नो इलेक्ट्रॉन विल बी